अंकित ने अपने यंत्राब्ज 50,000 व्यवस्था कराऊंगा अंकित भाई ये थे। मेरा नाम यज्ञेश मेहता है और हाथी के जरिए महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसमें गजेंद्र मोक्ष का वहाँ पे उदाहरण दृष्टांत दिया गया है शास्त्र में, जो महालक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण दोनों को प्रिय है, ऐसे गजराज जी को यहाँ भोज करवाया जाता है और गजराज के भोजन के जरिए महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के उद्देश्य से पुरुषार्थ किया जाता है और परिश्रम से महालक्ष्मी का प्रसन्नता प्राप्त होवे ऐसा प्रयत्न किया जाता है। इससे प्रजा को क्या फायदा रहता है, किस तरह से पूजा की जानी चाहिए? गजराज की पूजा महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए की जाती है, महालक्ष्मी के मंत्रों के जरिए की जाती है और यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष का शास्त्र में पुराणों में उल्लेख है और गजेंद्र के जैसे मोक्ष किया गया था लक्ष्मी नारायण के जरिए, इसी तरह यहाँ गजराज की पूजा की जाती है महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु। खासतौर पर भोग में क्या-क्या जाता है? गजराज के भोज में यहाँ गुड़, गन्ना, हरे घास और सब्जी इत्यादि परोसा जाता है। गुरुदेव सर पाठला जो ओम सरस्वती सरोजहस्ते धवलधनांदकचंदनाय शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोजे त्रिभुवन भूतकरे प्रसीद मह्यं महालक्ष्मी प्रचोदयाग।
आपका नाम क्या है और आप ये गुजरात की पूजा धनतेरस के दिन खासतौर पर क्यों करते हैं? मेरा नाम वैशाली है। मैं वो गजेंद्र मोक्ष में उसका उल्लेख किया गया है शास्त्र में कि गजराज का जो पूजन होता है तो उससे महालक्ष्मी की बहुत कृपा होती है, तो हम पे भी कृपा रहे, इसीलिए हम वर्षों से वो करते आए हैं और करते हैं। ओके। हाँ आगे जाओ मंदन और आगे मोहम्मद है। आप खासतौर पे ये जो गजानन की पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हाँ जी, खास रहस्य क्या है? हर धर्म एक होता है, हर धर्म का मतलब एक ही होता है कि भाई हर किसी को मिलजुल के रहना चाहिए और एकता सबसे बड़ी बात है।
सुसा के एक दूसरे के भाईचारे से बढ़ने में सबकी भलाई है और कोई मजहब खराब नहीं है। कोई मजहब से ये नहीं उम्मीद रखना कि ये गलत है ये सही है। और मैं तो कोई मंदिर बाकी नहीं है मेरे पास कि मैं मंदिर में नहीं जाता हूँ। ये भाई मेरे हैं अंकित भाई, वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हर मंदिर में जाता आता रहता हूँ और मैं सेवा जितनी होती है मेरे से करता हूँ। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, धनतेरस की पूजा भी माननी चाहिए और ये सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म तो इंसान का यही है कि हर धर्म को मानना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।